चौथा भाग और उसकी 16वीं आयत से, खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें। इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखें। हम जो मसीह की दूसरे आमदे सानी के ताल्लुक से सीख रहे हैं, थोड़ा सा मैं उसे रीकैप करूं कि चंद एक निशानियां हैं मसीह की आमद की। नंबर वन, कि बनी इसराइल जो तमाम ममालिक में बिखर चुका है, खुदावंद उसको दोबारा उस जगह पर इसराइल में फराहम करेगा, इकट्ठा करेगा। हालेलुया। सो हमने ये देखा कि 1948 में एक नया मुल्क बनाया गया जिसका नाम इसराइल था, और तमाम दुनिया से, बहुत सारे इलाकों से यहूदी वहां पर आकर इकट्ठे हुए। हालेलुया। और ये सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग खुद नहीं आएंगे, खुदावंद उनके लिए ऐसे हालात पैदा करेगा कि वो बनी इसराइल आएंगे। यहूदियों की मैं बात कर रहा हूं। अब आप देखें एक बात, अमेरिका जैसे मुल्क में मैं शुक्रगुजार हूं अनिल जावेद का कि वो मुझे उस जगह पर ले गए, अनिल विल्सन, जहां पर जो न्यूयॉर्क में जहां पे ये यहूदी सब रहते हैं, और पूरा मुझे सर्वे करवाया। सो बाइबल में ये लिखा है कि यहूदी जो हैं उस बनी इसराइल में आएंगे, और जो नहीं आएंगे खुदावंद ऐसे ऐसे हालात पैदा करेगा। मैंने आपको पिछली मर्तबा बताया था कि जब वो लोग मिस्र में ठहर गए, खुदावंद ने उनको मिस्र में फराउन दिया ताकि वो मजबूरन वादा के मुल्क में जाए। वो जर्मनी में ठहर गए, खुदा ने उनको हिटलर दिया ताकि मजबूरन वो वादा के मुल्क में जाएं। अब बहुत सारे लोग बड़ी दुनिया में और वेस्ट में जैसे अमेरिका में बड़े खुशहाली में गुजार रहे हैं, लेकिन अभी अगर आप अखबार पढ़ते रहे तो जहां पर ये ठहरे हुए हैं वहां पर इनके कई एक मर्तबा इनके टेंपल्स को पे भी हमला किया जाता है, कई एक मर्तबा इन पर पर्सनली भी हमला किया जाता है। गुस्सा चढ़ता है, सब नाराज होते कि क्यों ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें खुदा के प्लान को भी समझने की जरूरत है। हालेलुया। दूसरा निशान जो हमने देखा था वो ये देखा था कि बदी जो है वो हद से बढ़ जाएगी। उसके बाद हमने खुदावंद के कलाम में ये देखा था कि परसिक्यूशन, मसीहों की अजायर सानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कत्लो गारत बहुत होगी। और हमने ये देखा था कि हर साल तकरीबन 90,000 मसीही कत्ल किए जाते हैं, मारे जाते हैं, सिर्फ हर साल, एवरी ईयर। सो 10 सालों में तकरीबन 9,00,000। सो ये परसिक्यूशन जो है ये बढ़ती जाएगी, मसीहों पर और ज्यादा जुल्म ढाया जाएगा। और फिर हम 3 हफ्तों से देख रहे हैं
दानियल के 70 हफ्ते, यानी उसमें से हमने ये देखा, अभी हम सिर्फ आखिरी हफ्ते को स्टडी कर रहे हैं, 7 ईयर्स को जो अभी आने वाले हैं, और हमने ये देखा था कि 7 ईयर्स को भी आधे में तकसीम करते हैं, 3.5 साल एक और 3.5 साल एक। 3.5 साल जो हैं वो बड़े अमन के और सुकून के होंगे बनी इसराइल के लिए। बनी इसराइल के लिए अमन, एक ऐसा मुखालफ मसीह आएगा वो इतना सुकून फराहम करेगा कि यहूदी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देंगे, यहूदी उसको एडमायर करेंगे, पूरी दुनिया उसको एडमायर करेगी, मे बी नोबल प्राइज भी दे दे कि इसने जो सदियों से एक लड़ाई चलती आ रही है उस लड़ाई का इख्तिताम किया है और तीसरी हैकल बन जाएगी। हालेलुया चर्च। इसी आखिरी हफ्ता में किसी भी वक्त कलीसिया जो है वो आसमान पर उठाई जाएगी। इस लास्ट वीक में, ये जो 7 सालों का दौर है जो दानियल का आखिरी हफ्ता है, सो मसीह की आमद के बारे में कि मसीह की आमद कब होगी, आखिरी हफ्ता के कौन से वक्त में मसीह की आमद होगी, उसके बारे में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। कितने कॉन्सेप्ट्स हैं? 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि मसीह यीशु की आमद जो है वो अजायर, मतलब याद रखें मसीह यीशु की 2 आमदें हैं, 1 आमद नहीं है, 2 आमदें हैं जो आने वाली हैं। 1 आमद होगी जो सिर्फ बादलों तक होगी और कलीसिया हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेगी, ये पहली आमद होगी। और जो दूसरी आमद होगी वो जब खुदावंद यीशु मसीह कोई जैतून पर आएगा, जैसा अमाल में लिखा है कि जैसा तुमने इसे जाते हुए देखा था वैसे ही तुम इसे आते हुए देखोगे। लेकिन जो दूसरी आमद सामने होगी, पहली सिर्फ बादलों तक महदूद होगी, जो दूसरी होगी वो कोई जैतून पर होगी, लेकिन वो अकेला मसीह नहीं आएगा, वो मसीह यीशु कलीसिया के साथ आएगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया। आप लोग मसीह यीशु के साथ आएंगे, आप उसके साथ आएंगे सेकंड आमद में, लेकिन पहली आमद में, सो जो पहली आमद है जो बादलों तक महदूद होगी, उसके बारे में 4 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि यह आमद अजायर सानी से पहले होगी, यानी यह जो हफ्ते का आगाज है और जिस हफ्ते में जो है जुल्म ढाना शुरू होगा, उससे पहले कलीसिया आसमान पर उठा ली जाएगी। कितने लोग ये समझते हैं कि कलीसिया अजाय रसानी से पहले उठा ली जाएगी? कितने लोग ये समझते हैं? कोई नहीं समझता। अजाय रसानी का मतलब दुखों से पहले, आप ये समझते हैं। और कितने लोग ये समझते हैं कि कलीसिया दुखों के बाद आसमान पर, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कलीसिया जो है दुखों और मुसीबतें सहने के बाद, देखिए दुख और मुसीबतें 2 किस्म की हैं। एक है जो मुखालफ मसीह कलीसिया पर दुख और मुसीबत लेकर आएगा, और एक दुख और मुसीबत है जो खुदा रूए जमीन पर दुख और मुसीबत लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया चर्च। सो जब मैं दुख और मुसीबत कहता हूं, सो ये 2 किस्म के दुख और मुसीबत है। एक तो जो परसिक्यूशन है, मारा जाएगा, जलाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, और एक दुख और मुसीबत है जिसमें खुदा जमीन पर आफात को लेकर आएगा और बड़े बड़ी बीमारियों को लेकर आएगा, जिसके बारे में लिखा है कि लोग जो है वो छुपते फिरेंगे और वो कहेंगे कि पहाड़ों हमें छुपा लो। सो एक कॉन्सेप्ट यह है कि खुदावंत कलीसिया जो है हर तरह की दुख और मुसीबत से पहले आसमान पर उठा ली जाएगी।
एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कलीसिया पोस्ट ट्रिब्यूलेशन उसको कहते हैं, अजायर सानी के बाद आसमान पर उठाई जाएगी। ये अजायर सानी जो मुखालफ मसीह कलीसिया पर लेकर आएगा और जो खुदा अपने अजाब जमीन पर भेजेगा, तो इन तमाम अजाबों के बाद कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि कलीसिया हर किस्म के अजाब के बाद आसमान पर उठाई जाएगी? ना हां ना ना, जागदे हो ना, जागदे ते हो। ये अभी तीसरा कॉन्सेप्ट है, अभी हम सिर्फ दो कॉन्सेप्ट की बात कर रहे, राइट जी। सो कोई समझता है कि आसमान दुख से मुसीबत के बाद कलीसिया चुकी जाएगी? दरमियान वाला तीजा कॉन्सेप्ट है, हाल में सिर्फ दो कॉन्सेप्ट की गल कर रहे हैं। पहले उठाई जाएगी दुखों मुसीबतों से पहले, फारग फ्री, कोई मसला नहीं, ना हमें कोई दुख देगा ना हमें कोई परेशान करेगा। ओके जी, तीसरा कॉन्सेप्ट है कि खुदा कलीसिया को ये कोई दुखों और मुसीबतों के दरमियान किसी भी वक्त, मतलब दुख और मुसीबत भी चल रहे होंगे, आसमान की आफात भी आ रही होंगी और बस हर तरफ से प्रॉब्लम होगी, और कहीं ना किसी वक्त दरमियान में से, मिड ट्रिबुलेशन अजायर सानी के दरमियान में, मिडल में से खुदा कलीसिया को उठा लेगा। ये कितने लोग ईमान रखते हैं? हाथ जरा ऊंची कर लो। ओके, सो मैनी बिलीव दिस। ओके, चौथा कॉन्सेप्ट है कि ना अजायर सानी से पहले, ना अजायर सानी के बाद, ना अजायर सानी के दरमियान, चौथा कॉन्सेप्ट है ये। दरअसल जो मिड ट्रिब्यूलेशन है अजायर सानी के दरमियान में, उसी को जरा वजाहत से, चौथा कॉन्सेप्ट ये है कि कलीसिया मुखालफ मसीह की अजायर सानी से गुजरेगी। जो मसीह के मुखालफीन हैं उनकी हर तरह की परेशानी से गुजरेगी, मार भी खाएगी, कत्ल भी की जाएगी, हर तरह का दुख भी दिया जाएगा, लेकिन जो खुदा का अजाब है जो जमीन पर आने पर है, खुदा के अजाब से पहले कलीसिया आसमान पर उठा ले जाएगी। सो ये कितने लोग इस बात पर यकीन रखते हैं? आपने पहले भी हाथ उठाया था वजाहत के साथ, ठीक। अच्छा, हालेलुया चर्च, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, मत्ती उसका 24वां बाब, ये जो चौथा कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है, एक है प्री ट्रिबुलेशन, एक है पोस्ट ट्रिबुलेशन, एक है मिड ट्रिबुलेशन। ये जो चौथा कॉन्सेप्ट है इसको कहा जाता है प्री रॉथ, अजायर सानी से पहले पहला, अजायर सानी के बाद दूसरा, अजायर सानी के दरमियान तीसरा, और खुदा के गजब से पहले ये चौथा कॉन्सेप्ट है। हालेलुया चर्च, खुदावंद के कलाम में से देखेंगे मत्ती उसका 24वां बाब और उसकी 6 आयत से, खबरदार घबरा ना जाना क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा,
क्योंकि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भौंचाल आएंगे, लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको ऐज़ा देने के लिए पकड़वाएंगे, कत्ल करेंगे, मेरे नाम की खातर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे, एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से अदावत रखेंगे, और बहुत से जिनसे आप लोगों को खबरदार होने की जरूरत है, झूठे नबी खड़े होंगे, बथेरों को गुमराह करेंगे, बेदीनी के बढ़ जाने से बथेरों की मोहब्बत टंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। हालेलुया। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, तब ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। जब हम बाइबल को देखते हैं कि कलीसिया एग्जैक्टली कब उठाई जाएगी, बहुत जो प्री ट्रिब्यूलेशन वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि मुकाशवा छठे बाब से पहले कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी, लेकिन जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि नहीं, कलीसिया दुखों से भी गुजरेगी, मुसीबत से भी गुजरेगी, हर तरह के अजाब से भी गुजरेगी, वो ये कहते हैं कि कलीसिया मुकाशवा छह बाब के दौर में से गुजरेगी। हालेलुया चर्च। So I believe personally, मैं इस चीज को पर्सनली बिलीव करता हूं कि कलीसिया खुदा के अजाब से पहले उठाई जाएगी, लेकिन हर तरह के जमीनी अजाब से, हर तरह के दुनियावी अजाब से, हर तरह के मुखालफे मसीह के अजाब में से कलीसिया गुजरेगी। हालेलुया चर्च। सो कलीसिया को ये, कलीसिया के पास बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने का, बहुत ज्यादा टची होने का उसके पास मार्जिन नहीं होगा। मैं कई एक मरतबा देखा, हमारे लोग मर जाते हैं तो उनको शहीद क्यों नहीं कहा जाता, एदे ते सानू बड़ा दुख है। ओ भाई, शहीद का लकब लोगों ने देना है या नहीं देना ये उनकी मर्जी है, लेकिन कौन खुदावंद की राह में जा रहा है और कौन बदकारी की राह में जा रहा है, ये दुनिया की गवर्नमेंट्स इसका डिसीजन नहीं ले सकती। अगर इसका कोई फैसला ले सकता है तो वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। So, इस चीज की कोशिश ना करें कि लोग आपको अप्रूव करें, लोग आपको तमगा दें, लोग आपको डेजिग्नेशंस दें, लोग आपको लकब दें, आपको इस बात के लिए, इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तुम्हारी फिक्रमंदी ये होनी चाहिए कि क्या हमारे नाम किताब हयात में लिखे हैं या नहीं लिखे। हालेलुया चर्च। सो कलीसिया जो है वो खुदा के अजाब से, मेरे साथ देखिए जरा मुकाशवा उसका सातवां बाब, मुकाशवा उसका सातवां बाब, और उसकी तीसरी आयत। फिर मैंने एक और फरिश्ता को जिंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक के ऊपर से की तरफ से आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें जमीन और समंदर को जरर पहुंचाने का इख्तियार दिया गया था, बुलंद आवाज से पुकार कर कहा कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें, जमीन और समंदर और दरख्तों को जर्र ना पहुंचाना। हालेलुया चर्च। आप देख नहीं सकते, लेकिन आप पर
खुदा मोहर करता है। हमें दुआ से क्या फायदा है, हमें प्रस्तिश से क्या फायदा है, हमें रोजे रखने से क्या फायदा है। यू कैन नॉट सी, लेकिन उसे फरिश्तों से कहा, उससे कहा अभी जमीन पर अजाब ना लेकर आना, किसी चीज को जर्र ना पहुंचाना जब तक के खुदा के बंदों पर मोहर ना कर ली जाए। जो इन्होंने भुगतना था भुगत लिया, जितने इन्होंने गलत इल्जाम सहने थे सह लिए, जितना लोगों ने इनको बुरे और डिग्रेडिंग अल्फाज से पुकारना था पुकार लिया, लेकिन जिनको पुकारा गया उनके माथों पर मोहर हो गई। आगे देखे मेरे साथ नौवीं आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं करता कर सकता, सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है। द होल चर्च, तमाम कलीसिया जमीन से रिमूव कर ली गई है। इस आखिरी हफ्ते का आगाज हो चुका है। हमें इशारा दिया गया है कि जब तुम ऐसा होते देखो तो याद रखना कि तुम्हारी मखलसी नजदीक है। हालेलुया चर्च। उसके बाद एक और आयत, चौदहवीं आयत। मैंने उससे कहा आए मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने उससे मुझसे कहा ये वही हैं जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं, उन्होंने अपने जामे बर्रा के खून से धोकर सफेद किए। हालेलुया चर्च। सो जो बाइबल हमें सिखाती है कि आखिरी हफ्ता का आगाज हो चुका है और कलीसिया ज्यादा से ज्यादा अजाब में से गुजरेगी, ज्यादा से ज्यादा मुसीबतों में से गुजरेगी, और हमें पुराने ऐदनामा में भी इस चीज का निशान मिलता है। जब लूत और उसका घराना और जब उसको फरिश्ते मिलने के लिए आए और वो उसके घर में ठहरे हुए थे, उन्होंने उसे जद्दोकोप किया, उसके घरों तक पहुंच गए वो लोग जो सदूम और अमूरा के लोग थे, उसके घरों तक पहुंच गए, उसको खींचने लगे, यहां तक लूत को सहना पड़ा। जब हम आगे चलते हैं, जितना जुल्म फिरौन मिस्र पर कर सकता था उसने किया, जितनी मुसीबत वो उन पर ला सकता था। हमें पूरी बाइबल ये सिखाती है कि मसीह की आमदेसानी किस वक्त होगी। हालेलुया चर्च। फिरौन ने उन्हें रॉ मटेरियल, जो भी वो रॉ मटेरियल देने से उसे इनकार किया, लेकिन उसने कहा मुझे तुमसे उतना ही नतीजा चाहिए जितना पहले था। उन्हें मारा भी, उन्हें जद्दोकोप भी किया, उनके साथ सब कुछ किया। खुदावन ने फिरौन के हाथ को नहीं रोका। हालेलुया। जिन्होंने 666 की शबी के सामने झुकने से इनकार किया, चर्च
अनफॉर्चुनेटली हमें ये नहीं सिखाया जा रहा कि आपने अपने आप को ईमान में मजबूत करना है, क्योंकि आपको ये सब कुछ सहना पड़ेगा। आपको इन तमाम दुखों से, इन तमाम मुसीबतों से, जिन्होंने 666 की शबी को सजदा नहीं किया, उन तमाम को खुदा ने कोई मौजा नहीं दिखाया, वो तीनों आग में डाले गए। जो इंसान कर सकता था, एज़बल को नबूत का खेत बहुत पसंद था, ये पाकिस्तान में हर रोज की कहानी है। एज़बल को नबूत का खेत बहुत पसंद था, वो नबूत का खेत लेना चाहती थी। उसे कहा किस तरह इससे खेत लें, उसे कहा इस पर इल्जाम लगा दो कि इसने तौहीन की है, अंबिया की तौहीन की है, पुराने ऐतनामा की। सो नबूत पर अंबिया की तौहीन का इल्जाम लगाया गया। जो पहला ब्लैस्फेमी केस है वो आपको बाइबल में मिलेगा, जब नबूत पर गलत इल्जाम लगाया गया। और उसका नतीजा क्या हुआ? एज़बल ने वो खेत ले लिया। खुदा ने हाथ को रोका। ये औरत बहुत बड़ी पोजीशन पर है, फिर कहती है काम करो। अब क्या किया जाए इसका? इस पर तौहीन का इल्जाम लगा दो। ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, शाही किला के बिल्कुल सामने ऑपोजिट बदामी बाग में। यहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं? इस प्रॉपर्टी पर क्या किया जाए? इन पर तौहीन का इल्जाम लगा दो। सबसे पहला इल्जाम बाइबल में लगाया गया, जो आप कर सकते हैं वो आपने कर लिया, अब खुदा का हाथ जाहिर होगा। हालेलुया चर्च, अब खुदा का हाथ जाहिर होगा। खामोश, खुदावंद के कलाम में लिखा है बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। हालेलुया चर्च, जब उन्होंने लूत के घर के दरवाजों को इतना पीटा कि वो टूटने को थे, उन्हें खींचा, खुदा ने उन सबको अंधा कर दिया। एज़बल, तूने नबूत का खेत ले लिया, ले लिया। जो तू कर सकती थी तूने कर लिया, कर लिया। नबूत को कत्ल किया गया, उसके खून को कुत्तों ने चाटा। और एज़बल वॉज द हैप्पीएस्ट वुमन कि मैं जो चाहती थी, मैंने जो प्लान किया था वो प्लान बिल्कुल एट द सही जा रहा है। उसके बाद खुदावंद की आवाज आई, एज़बल जिस तरह कुत्तों ने नबूत का खून चाटा है, उसी तरह कुत्ते तेरा और तेरी नस्लों का खून चाटेंगे। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। जब खुदा अपने हाथ को जाहिर करेगा, उससे पहले वो कलीसिया को आसमान पर उठा लेगा। चर्च विल गो थ्रू एवरीथिंग, जो दुनिया उस पर मुसीबत लेकर आएगी, लेकिन फराउन तूने जितना जुल्म करना था कर लिया, कर लिया। मूसा, अब इनको तू कमरों में ले जा और उन चौखटों पर बर्रे का खून लगा देना, अब मैं अपनी अदालत लाने को हूं। तुम लोग चीखों की पुकार सुनोगे, लेकिन मौत कभी तुम्हारे दरवाजों में दाखिल नहीं होगी। हालेलुया चर्च, द ब्यूटी ऑफ अ क्रिश्चियनिटी इज दिस, कि क्रिश्चियनिटी हर अजाब से गुजरेगी जो दुनिया उसे लाएगी, लेकिन हर उस अजाब से बच जाएगी जो खुदा दुनिया पर लेकर आएगा। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें, पहला करंथियों उसका 15वां बाब,
पहला करिन्थियों उसका 15वां बाब, और उसकी 51 आयत से, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब, और ये एकदम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फना फानी जिस्म बका का जामा पहने, ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहनेगा, तो वो कॉल पूरा होगा जो लिखा है, मौत फतह का, आए मौत तेरी फतह, आए मौत तेरा डांग कहां रहा। हालेलुया चर्च, किसी वक्त भी आसमान पर नरसिंगा फूंका जाएगा, इससे पहले कि खुदा जमीन को जज करे और कौमों की जजमेंट करे, उससे पहले आसमान पर नरसिंगा फूंका जाएगा और कलीसिया उठा ली जाएगी। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च, अभी जो कलीसिया मरती है, अगर कलीसिया उस वक्त उठा ली जाएगी, जो जिंदा लोग होंगे उस वक्त, मे भी आज, मे भी कल, मे भी परसों, पता नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, जब भी कलीसिया उठा ली जाएगी, जो जिंदा होंगे वो तो उठा ले जाएंगे, लेकिन उनसे पहले जो जो कब्रों में है वो हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे, लेकिन अभी जो लोग मरते हैं वो कहां जाते हैं? द क्वेश्चन इज दिस, अगर कब्रें उस वक्त खुलेंगी, आप मेरी बात समझ रहे, अगर कब्रें उस वक्त खुलेंगी तो आज जो लोग मरते हैं वो किधर जाते हैं? एक क्वेश्चन आलमेरवा का, चले, अगर कब्रें उस वक्त खुलेंगी और लोग हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, तो क्या हम सब उस दिन का इंतजार करेंगे? आज जो लोग मरते हैं वो किधर जाएंगे? रिमेंबर चर्च, बाइबल में लिखा है, फिर मैंने उन रूहों को देखा जो तख्त के नीचे थी, और उन रूहों ने ये कहा कि तू हमारा इंसाफ कब करेगा। हालेलुया, इसका मतलब अभी इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन रूहें खुदा के तख्त के पास पहुंच चुकी हैं, आलमे इरवा में नहीं है। So, जब भी ईमानदार लोग मरते हैं, दुनिया की नजर में ईमानदार नहीं, जेड़े वाकयतन बाइबल दी नजर से ईमानदार होंगे, जब वो मरते हैं उनकी रूहें खुदावंद यीशु के पास जाती हैं। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च, उसी वक्त, राइट एट दैट पॉइंट, और आप जिसको रो रहे होते हैं वो मट्टी होती है, जस्ट अ डस्ट, राख को राख, खाक को खाक, लेकिन और जो बदकारी में और कलाम की नाफरमानी में मरते हैं वो भी जहन्नम में नहीं जाते, आखिर उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक आखिरी जजमेंट नहीं होगी, लेकिन वो जहां भी हैं वो अजाब में होते हैं। हालेलुया,
जो खुदावन में मरते हैं वो खुदावन के तख्त के पास है। अभी वो कंप्लीट खुदा की बादशाहत का मजा नहीं चख रहे, लेकिन होते खुदा के तख्त के पास है। और जो बदकारी और गुनाह में मरते हैं वो जहां पे भी हैं वो होते अजाब में हैं। इसको कह के ये एक कतरा जुबान मेरी जुबान पर पानी का लगा दे। हालेलुया। लेकिन जब आखिरी दिन कब्रें खुलेंगी तो क्या होगा? कब्रों में से कौन निकलेंगे? अगर पहले ही आसमान पर लोग जा चुके हैं और पहले ही अजाब में हैं, जहन्नम की बात नहीं कर रहा, अजाब में हैं, तो जब कब्रें खुलेंगी तो कब्रों में से कौन निकलेंगे? ते ओ जड़े उत्ते ने वो कौन ने? ते ओ भी ईमानदार, ते ऐ फिर ईमानदार। इहदा मतलब ज्यादा ईमानदार होता तो कब्र कब्रां च रहणगे। यस, वो रूहें विल गेट देयर बॉडीज बैक। हालेलुया चर्च, हालेलुया, हालेलुया। जब कब्रें खुल जाएंगी, हमें नहीं मालूम, अभी हमें सिर्फ यह मालूम है कि रूहें तख्त पर मौजूद हैं, लेकिन जब नरसिंगा फूंका जाएगा, जब मसीह यीशु, अभी एक शख्स मरा, बपतिस्मा याफ्ता था, रूल कुदस याफ्ता था, खुदा के कलाम की ताब्यादारी में था, फर्मा बरदारी में था, आपने उसके जिस्म को मट्टी के सुपुर्द कर दिया, ओके, लेकिन रूह खुदावंद के पास पहुंच गई। जिस दिन सिंगा फूंका जाएगा, वो बदन जो मट्टी में है, वो बदन बिल्कुल तंदुरुस्त होकर वो फिर से अपनी रूह से जाकर मिल जाएगा। हालेलुया चर्च, ये वैसा ही होगा। बदन को आपने मसलूब करके कब्र में डाल दिया, रूह पाताल में उतर गई मसीह यीशु की, ताकि खुशखबरी दे, और तीसरे दिन मसीह अपने जलाली बदन के साथ मौजूद था। जब दोबारा आपके जिस्म होंगे आप इतने ही खूबसूरत जितने अब हैं, लेकिन आपके बदन जलाली बदन होंगे। यू विल हैव अ ग्लोरिफाइड बॉडीज। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। और इन उन ग्लोरिफाइड बॉडीज में ना कोई बीमारी होगी, ना दर्द, ना आहोनाला। अपने आप को तैयार रखें, मसीह की आमद किसी वक्त भी मुमकिन है। हम इस रूए जमीन पर ज्यादा से ज्यादा 36,000 डेज रहते हैं, दैट्स इट, 36,000 दिन। इससे ज्यादा तो नहीं रहते, इतने ही रहते, इतनी ऑलमोस्ट इतने ही, दैट्स इट। बी केयरफुल कि जहां आप इटर्निटी गुजारेंगे, जहां आप हमेशा तक रहेंगे। हम अपने कदमों पर खड़े हों।